तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे राइट इशू के बारे में और जानेंगे राइट इशू के क्या है फायदे और क्या है नुकसान। हमें दावे से कह सकता है जितने सिंपल और आसान भाषा में आपको समझाने जा रहा हूँ वो न ही यूट्यूब और न ही गूगल पे आपको कोई बता पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप सभी के अंदर ये होगा कि ये राइट इशू होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, कंपनी राइट इशू लाती क्यों है। तो देखिए सीधी भाषा में बोले तो राइट इशू बस एक तरीका है, एक जरिया है, एक माध्यम है अपने इक्विटी को बढ़ाने का कंपनी का। इक्विटी बढ़ाने के और भी कई तरीके हैं, जस्ट लाइक कि कंपनी कभी कभी स्प्लिट लाती है, कभी कभी बोनस लाती है, कभी कभी मर्जर भी करती है। तो इन सभी तरीके से कंपनी अपने इक्विटी को बढ़ा सकती है और राइट इशू से इक्विटी बढ़ाने पे कंपनी और इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा मिलता है वो आगे देखते हैं। चलिए एडवांटेज की बात कर लेते हैं कि इस राइट इशू के लाने से कंपनी को क्या एडवांटेज मिलती है। तो आपने देखा होगा क्या कहती है कि कंपनी राइट इशू के थ्रू कुछ फंड रेज करने का ऐलान करती है, जैसे कि 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, ऐसे कंपनी फंड रेज करती है। जैसा कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से कंपनी फंड रेज करती है। तो आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि इतने पैसे का कंपनी करती क्या है, ये फंड रेज करने पे कंपनी को मिलता क्या है। तो कंपनी बेसिकली क्या करती है, राइट इशू से जो पैसे जनरेट करती है उस पैसे का यूज या तो वो बिजनेस फैलाने में करती है या कुछ एक्वाइजेशन करने में करती है, यानी कि छोटी मोटी कंपनी को खरीदना हो उसमें कंपनी इन्वेस्ट करती है, या कुछ नए प्रोजेक्ट को ऑपरेट करना हो उसके लिए कंपनी की पैसे की जरूरत होती है, इस वजह से कंपनी पैसे जनरेट करती है। तो मैंने आपको क्या बताया कि कंपनी राइट इशू से पैसे इकट्ठा करती है तो उनके पास एक और ऑप्शन होता है, या तो वो बैंक्स के पास जाए, अगर राइट इशू नहीं करती है कंपनी तो बैंक्स के पास जाए और बैंक्स को उनका जितना जो इंटरेस्ट बनता है उस हिसाब से कर्ज ले या लोन ले, जो कि ऑन एन एवरेज देखें तो 16% के आसपास का बनता है। तो अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेटली 2000 करोड़ कंपनी अगर जनरेट करना चाहती है राइट इशू के थ्रू लाना चाहती है तो उनका 16% अगर आप देखें तो 320 करोड़ कंपनी को हर साल बैंक्स को इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कंपनी क्या करती है, राइट इशू लाती है, कि 320 करोड़ का सालाना देने से अच्छा है एक राइट इशू ले आए, उससे कंपनी को कुछ लॉस भी नहीं लगता है और कंपनी को अच्छा खासा अमाउंट भी जनरेट हो जाता है। तो इसलिए कंपनी राइट इशू लाती है। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा इसके क्या नुकसान है। अगर आपके पास शेयर है कंपनी के तो आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप सब्सक्राइब कर ले, फुल्ली सब्सक्राइब कर ले, जो आपको अलॉट किया गया है शेयर आप वो सब्सक्राइब कर ले, और दूसरा ऑप्शन बनता है कि आप सब्सक्राइब नहीं करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं क्योंकि जरूरी नहीं कि जब राइट इशू आए तब आपके पास पैसे हो, इस वजह से कुछ लोग के पास पैसे नहीं होते तो वो सब्सक्राइब नहीं कर पाते। तो तीसरा ऑप्शन ये होता है कि आप अपने राइट इशू को किसी और को सेल कर दिया, और इसी तीसरी वजह के कारण आप देखेंगे राइट इशू वाले जो शेयर जब आते हैं तो उसके अंदर ट्रेडिंग आपको देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसी समय खरीदते हैं और बेच देते हैं कुछ पैसे के प्रॉफिट पे। तो सबसे बड़ा फायदा राइट इशू से उनका होता है जो बहुत समय से शेयर में फंसे हुए हैं, उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है शेयर बाय करने का, अपना एवरेज कम करने का और आने वाले समय में अच्छा खासा एग्जिट कर लेने का, क्योंकि नॉर्मली राइट इशू हमेशा 40 से 50% के डिस्काउंट पर ही आता हुआ आपको देखने को मिला। चलिए अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। ये तो एडवांटेज होगा कि बहुत सारे एडवांटेज हुए, डिसएडवांटेज क्या है, कंपनी के नुकसान क्या है इस राइट इशू को लाने के। तो जब भी कंपनी राइट इशू लेकर आती है तो आपने कुछ शेयर को डाइल्यूट करती है, यानी कि समझो अगर आप कंपनी पहले 100 शेयर मार्केट में घूम रही थी, मार्केट में कंपनी के 10 रुपये के भाव पे, तो क्या हुआ 1000 रुपये का कंपनी का मार्केट कैप हुआ। तो अब क्या करती है कंपनी, रिकॉर्ड डेट के दिन प्राइस को थोड़ा सा कम कर देती है, अब वही शेयर 8 रुपये के हिसाब से ट्रेडिंग करना शुरू हो जाता है और 8 रुपये पे 125 शेयर लिस्ट हो जाते हैं मार्केट में। तो वही हो रहा है राइट इशू के थ्रू, आप देखेंगे कि हमेशा कंपनी कुछ शेयर को अलॉट करती है और मार्केट में जो पहले से कंपनी के शेयर थे उससे ज़्यादा शेयर ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप उतना ही रहता है लेकिन कंपनी का जो शेयर है वो मार्केट में थोड़े ज़्यादा घूमना शुरू हो जाता है, क्योंकि कंपनी कुछ शेयर को डाइल्यूट करती है और उसके थ्रू पैसे जनरेट करती है। कंपनी फ्री में कुछ नहीं देती है, याद रखिएगा, कंपनी डाइल्यूट करती है शेयर, इसी वजह से कंपनी उतने पैसे जनरेट करते हैं। तो ऐसे में कंपनी का इक्विटी ज़्यादा हो जाता है, जो पहले के कंपेयर में पब्लिक होल्डिंग जो कि ज़्यादा हो जाता है और थोड़ा सा वो निगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग पैसे नहीं होने की वजह से भी सब्सक्राइब नहीं कर पाते, ऐसे में क्या होता है कि कंपनी जितना तक का टारगेट रखे होती है कि हमको 2000 करोड़ जनरेट करना है इस राइट इशू के थ्रू, उतना जनरेट नहीं कर पाती है, क्योंकि कुछ लोगों के पास पैसे नहीं होते, वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन है वो थोड़ा सा कम होता है, जिस वजह से कंपनी को थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि उतना जो कंपनी फंड रेज करना चाहती थी उतना नहीं कर पाती।
तीसरे डिसएडवांटेज की बात करें तो टाइम ड्यूरेशन जो होता है कंपनी का वो थोड़ा ज़्यादा होता है जब कंपनी राइट इशू लाती है, और जब आपके अकाउंट में वो शेयर ओरिजिनली क्रेडिट होते हैं उसके बीच में अच्छा खासा टाइम ड्यूरेशन होता है, अप्रोक्सीमेटली 15-20 दिन का टाइम ड्यूरेशन होता है। और इस टाइम ड्यूरेशन में क्या होता है कि जब कंपनी राइट इशू लाती है तो अक्सर देखा जाता है कि राइट इशू के आने के बाद शेयर के अंदर हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिलती है, और राइट इशू के जो शेयर होते हैं उसके अंदर भी गिरावट आपको देखने को मिलती है, क्योंकि राइट इशू के शेयर जैसे ही लिस्ट होते हैं लोग बेच के भागना चाहते हैं, इस वजह से राइट इशू का शेयर भी गिरता है और साथ में पब्लिक नॉर्मली जो शेयर ट्रेड करते हैं वो भी शेयर गिरते हुए आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारे जो हो गए वो डिसएडवांटेज हो गए। अब कंक्लूजन निकलता है कि इसका क्या फ़ायदा हुआ फिर, जब ऐसा ही हो रहा है कंपनी डाइल्यूट कर रही है, हमें कुछ फ़ायदा मिल ही नहीं रहा है, ओरिजिनल शेयर भी गिर रहा है और राइट इशू वाले शेयर भी गिर रहा है, तो हमें क्या फ़ायदा। तो बेसिकली ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल आना चाहिए कि आपका क्या फ़ायदा है इसमें। तो देखिए फ़ायदा बस उनका ही होता है जिनका एवरेज ऊपर का है, जो ऊपर के लेवल पर बने हुए हैं, जो ऊपर के लेवल पर शेयर को बाई किए हुए हैं, तो उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है कि नीचे के एवरेज पे जो कि कंपनी लेके आती है 50-60% के डिस्काउंट पे, वहाँ पे बाई करे और अपने एवरेज को थोड़ा सा नीचे का कर ले, जिससे आने वाले समय में उनको एग्जिट करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो अक्सर देखा जाता है कि 10 में से 8 बार लोगों को लॉस ही लग जाता है जब भी कंपनी बोनस लाती है, स्प्लिट लाती है, राइट इशू लाती है, तो अक्सर 10 में से 8 बार कंपनी इन्वेस्टर जो होते हैं जो इन सभी पर्टिकुलर ओकेजन के लिए इन सभी चीज़ों के लिए बाई करते हैं, उनको अक्सर देखा जाता है कि 10 में से 8 बार लॉस का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से इन सब चीज़ों से अगर आप बस इन्हीं सब चीज़ों के लिए आप बाई करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी दूरी बना के रखें शेयर से, क्योंकि ये सारी चीज़ों के लिए शेयर नहीं बना है, कंपनी के फायदे के लिए शेयर बना हुआ है, न कि इन्वेस्टर के फायदे के लिए ये सारी चीज़ें आती है। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझा पाया होगा फायदे और क्या है नुकसान इस राइट इशू के, और अगर कुछ और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके आंसर देने का। और साथ में ये भी बताना चाहूँगा वीडियो को बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगी है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।